नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर जिसका नाम है सेहत वाली फिटनेस। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं फिट रहने की कुछ सेहतमंद बातें, कुछ सेहतमंद टिप्स जो आपको फिट रखेंगी, लाइफ में हिट रखेंगी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दही। जी हाँ दोस्तों, दही या फिर कर्ड। दोस्तों, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका बेस्ट टाइम होता है यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और मैं भी बाहर बैठा हुआ हूँ छत पर अपनी, मुझे भी थोड़े थोड़े पसीने आने लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी मील है, ऐसी क्या डाइट है वो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपको सेहतमंद रखने के लिए, आपको फिट रखने के लिए, और वो एक कंप्लीट मील भी है। तो दोस्तों, वो डाइट है, वो मील है दही। जी हाँ दोस्तों, दही को आप अपने पोस्ट वर्कआउट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप दही को अपने लंच टाइम में यूज़ करें या फिर आप मॉर्निंग में दही की लस्सी यूज़ करें, दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम होता है दही का, मॉर्निंग या फिर दोपहर का। दोस्तों, दही जो है खाने में टेस्टी होती है कंपेयर टू मिल्क। मिल्क जो है पचने में थोड़ा हार्ड होता है, बट दही जो है इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। दही को दोस्तों आप काफ़ी तरीके से खा सकते हो आप। तो दही एक कंप्लीट मील होती है। अगर हम 500 ग्राम दही की बात करते हैं तो इसमें हमको ऑलमोस्ट 305 कैलोरीज मिलेंगी। इसमें हमको प्रोटीन मिलेगा 18 ग्राम, हमको फैट मिलेगा 16 ग्राम, इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे 23 ग्राम। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हमको फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन मेरी चीज़ें भी मिलेंगी। दोस्तों, तो आप देखिए कि दही कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और एक कंप्लीट मील है आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए और आपकी बॉडी की मसल्स को रिपेयर करने के लिए। अगर आप जिम करते हैं, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने पोस्ट वर्कआउट में दही को ऐड कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसमें आपको 23 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे, इसमें आपको फैट मिलेगा। और दोस्तों, इसमें जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है। दोस्तों, दही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए। हमको दही ज़रूर यूज़ करनी चाहिए गर्मियों में अपने आप को फिट और लाइफ में हिट रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, दही में प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेते हुए लोगों को। तो दोस्तों, जब आपके पास नेचुरल में इतना अच्छा ऑप्शन है, दही आपके पास अवेलेबल है, कि जितना हो सके दोस्तों आपको नेचुरल रहना है, उसके बाद अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से कवर अप नहीं कर पाते हैं देन आप सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं। बट दोस्तों, जितना हो सके आपको नेचुरल डाइट से ही सारी चीज़ें कवर करनी है। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं प्रोबायोटिक्स के जो कि हमको दही में ही मिलते हैं। आजकल कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी इतने ज़्यादा ट्रेंड में है मार्केट में, और दोस्तों दही में भी अच्छा खासा कैल्शियम होता है। अगर आप दही 500 ग्राम डेली लेते हैं तो दोस्तों आपको अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, देखिए कि दही से कितने ज़्यादा फायदे होते हैं हमारी बॉडी को। और दोस्तों, आजकल का ट्रेंड क्या है कि हम अपने नेचुरल फूड को छोड़कर जो सप्लीमेंटेशंस हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, ऐसा आप ना करें, इस चीज़ को आप समझें कि हमारा जो नेचुरल फूड होता है वो हमारा बेस होता है। तो दोस्तों, पोस्ट वर्कआउट में अगर आप एक कंप्लीट मील ढूंढ रहे हैं तो आप दही अपने पोस्ट वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचाने के लिए भी दही बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, आप दही को फैट फ्री भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो फैट फ्री मिल्क आता है, अगर आप उसकी दही जमाते हैं, उसकी दही बनाते हैं, तो उसमें जो फैट की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे जो मैंने आपको न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी है दही की, वो एक फुल क्रीम जो दूध होता है उसकी है। बाकी अगर आप डबल टोंड या टोंड मिल्क की दही जमाएंगे तो दोस्तों उसमें नेचुरल सी बात है कि फैट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका गोल है वेट लॉस का तो आप फैट फ्री मिल्क की दही जमाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसमें आपको फैट कम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की क्वांटिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो दोस्तों, दही के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको आज बता दिए। तो दोस्तों, हमको दही जरूर लेनी चाहिए दिन में एक बार और अपने वर्कआउट के बाद। अच्छा ऑप्शन अगर हम ढूंढ रहे हैं तो दही हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको फिट रखेंगी, लाइफ में हिट रखेंगी। अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, फिट रहें, लाइफ में हिट रहें। नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।